एक भक्त कवि के शब्द हैं, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल से, न पूछो दिल की उस बेकली का फिर हाल मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की उस बेकली का फिर हाल मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। और फिर कहता है कि भला किसको दिखाएं हृदय का ये रोग नित बढ़ता, भला किसको दिखाएं हृदय का ये रोग नित बढ़ता। न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है, पर जहां कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई दे तुमको, जहां कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई दे तुमको, उसी मानस में बंधु सांवरा सरकार मिलता है। जिसे इस जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, किसी शायर ने भी अपने अपने लफ्जों में ऐसी ही कुछ बात कही कि पता यू तो बता देते हो सबको ला मका अपना, लामका मन जिसका कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। कह रहे पता यू तो बता देते हो सबको लामका अपना, पर ताज्जुब है कहीं रहते हो तुम टूटे हुए दिल में। जिस हृदय में प्रेम जन्य पीड़ा है, वेदना है, वही प्रभु का घर है। जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई दे तुम। कभी पूर्व भी मैंने आपको किसी प्रसंग में निवेदन किया था कि प्रभु की याद में रोए बिना मन का मैल धुलता नहीं। ये जो पीड़ा है यही आत्मा का स्नान है। ये जो प्रभु मिलन की जो छटपटाहट है, चाह चटपटी है, यही आत्मा का स्नान है। अभी गत सत्र में हमने गोपी गीत की चर्चा की, वो प्रेम गीत त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। पर जब तक गोपी गाती रही तब तक श्री कृष्ण हृदय में बैठे सुनते रहे, लेकिन जब वो गाना भी थम गया और गोपी रुदन करने लगी, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब फिर कुछ कहने की सामर्थ्य नहीं बची, बस प्रेम की पीड़ा से भरा, प्रियतम के वियोग की पीड़ा से भरा जब वो केवल हृदय रहा, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो ये जो जन्म जन्म का मैल आपने मैंने इकट्ठा कर लिया है, और हमारा मन मैला है, इसका लक्षण क्या है? ये जो हमारा चित्त द्रवीभूत नहीं होता ना, प्रभु का नाम सुनते हैं, गाते हैं, कथा सुनते हैं, कहते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, पर ये सब करते कहते सुनते भी जो मन है ये द्रवीभूत नहीं होता, माने कितना कठोर हो गया है, पिघलता नहीं। कहां बहती है हमारे हमारे नेत्रों से अश्रु की वो धारा जिससे प्रियतम के चरण कमल पखारे जाते हैं? चरण धोने के लिए अश्रु कलश तैयार है, प्रेम के मधुमंत्र का मन कर रहा उच्चार है, आई ये चुपचाप हरी ये प्यार का त्योहार है। है हमारे पास ऐसी सामग्री ना? एक और छोटी सी बात कहकर मैं आगे चलूंगा कि ये जो कभी कभी यहां बैठकर
हमारा मन थोड़ा सा भीग जाता है ना, हमारी आंख थोड़ी भीग जाती है, ये तो भाई सत्संग का परिणाम है, ये तो स्थान का परमाणु है। और इसके बिना, इसके अतिरिक्त, इन अश्रुओं के अतिरिक्त मन को प्रेम के योग्य कोई नहीं बना सकता, मन को प्रियतम के योग्य कोई नहीं बना सकता। चाह चटपटी, इसे इसीलिए कह रहे हैं, ये बड़ी सुंदर बात, बड़ी मीठी बात मुझे लगी, इसलिए मैंने यहां से ये दिव्य चरित्र चिंतन आरंभ किया। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। कैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, जीरन पट अति दीन लट ये सघन अनुराग, बिवस सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। अब वो प्रेम जन्य पीड़ा कहां से आए, कहां से पाई जाए, उसका कोई स्रोत हो, कोई ऐसा स्थान जहां से जाकर उसको प्राप्त किया जा सके, तो बोले हाँ ऐसा एक स्थान है। कह रहे ऐसे किसी प्रेमी भक्त के अंग संग उठते बैठते आते जाते, कभी पहले भी आपसे मैंने कहा था ना, प्रेम संक्रमित होता है, लव इज इन्फेक्शियस, प्रेम संक्रमित होता है। ये जो बार बार हमारे आचार्य ने भी और रसिकाचार्यों ने भी ये जो बार बार कहा ना, रसिकन संग फिरे दिन राती, रसिकन संग फिरे दिन राती, कोई पूछे भाई क्यों अपना दिन रात इन रसिकों के पीछे डोलते रहे, क्या मिलेगा, कह रहे जो इनके हृदय में है वो भाव संक्रमित होकर तुम्हारे हृदय में भी पहुंच जाएगा। जैसे किसी संक्रमित व्यक्ति का संग करने से दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, सीधी सी बात है ये। तो ऐसे ही प्रेमी के अंग संग रहते, प्रेमी की बात कहते सुनते, कि प्रेम का परमाणु ऐसे रोम रोम में घुल जाता है। इसलिए मैं तो पहले दिन से यही बात आप सबको निवेदन करता आया हूं कि प्रभु की झलक पानी है तो प्रभु के किसी प्यारे के पास जाकर बैठो, वही मिलेगा, वही दिखाई देगा। श्री रघुनाथ जी ने पूछा भरद्वाज मुनि से, कहां रहें आप बताइए, हमारे रहने योग्य कोई सुंदर स्थान बताइए, मुझे प्रसंग बड़ा प्यारा है। तो महर्षि उत्तर देते हैं कि प्रभु वैसे तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं रहते, सर्वज्ञ और सर्वविद होकर भी आप मुझसे पूछते हैं कि हम कहां रहें, तो चलो आप मुझे एक सेवा दे रहे हैं, मैं वो सेवा पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। आपने पूछा हमारे रहने योग्य कोई स्थान बताइए, तो आपके रहने योग्य तो प्रभु एक ही स्थान है, स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके तुम सबता, तिनके मन मंदिर बसो सिया सहित दो भ्रा, जाही न चाही कबहूं कछु तुम संग सहज सने बसहूं निरंतर ताके उर सूराउर निज गेह। स्वामी जी कह रहे जो आपका अपना घर है ना, अपना घर जो आपका निज गेह है, बोले वो तो बस ऐसे किसी भक्त का हृदय है, जाही न चाही कबहू कछु बस तुम संग सहज स्नेह, जिसका हृदय बस द्रवीभूत रहता है। श्रीमद् भागवत में प्रभु अपने श्रीमुख से अपने भक्त का यही लक्षण बताते हैं, कह रहे यही ऐसा ही होता है मेरा भक्त, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय, अरे बस जैसे ही उसके कान में मेरा गुण पड़ता है, उसकी समग्र चेतना मेरी ओर प्रवाहित होने लगती है, जैसे जैसे गंगा का जल समुद्र की ओर जाता है, ऐसे
मद्गुण श्रुति मात्रेण सुनते ही मई सर्वगुहाशय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगांब सोम बुधौ। और भक्तमालकार तो जब भक्तमाल की रचना करते हैं तो उनके मन में यही पवित्र संकल्प है। और श्री प्रियादास जी जब टीका करते हैं तो कहते हैं बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। इस धन के धनी तो भगवान के यही यही प्यारे यही निज जन है, यही भक्त जन है, यही संत जन है। श्री मलूकदास जी कहते हैं, कह रहे और कहीं मत खोजिए, और कहूं ना खोजिए, जहां बछड़ा तहां गाय, और कहूं मत खोजिए, जहां बछड़ा तहां गाए, जहां संत जन गात हैं वहां रमैया जाए, जहां संत जन गात हैं बस वहां रमैया जाए। इसलिए योगी यति तपस्वी सन्यासी छोड़ छोड़ कर अपनी अपनी समाधि अपनी साधना आते थे श्री मीराबाई साहब का दर्शन करने। जब वो पांव में घुंघरू बांध और हाथ में करताल लेकर गाती थी सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, अरे और दूर कहां जाएं क्यों जाएं, हमारे जैसा व्यक्ति जो इस संसार में व्यवहार में रह रहा है, हमारे जैसा व्यक्ति जब श्री बाईसा के चरित्र का किंचित चिंतन करता है तो हृदय में वैसी वैसी भावना का संचार होने लगता है। और जो जो बड़भागी जन उनका दर्शन करते होंगे, जो उनके सानिध्य का लाभ प्राप्त करते होंगे, उनके कृतार्थ होने में क्या संशय है, क्या संदेह है। मैं कह रहा हूं मेरे जैसा व्यक्ति यहां इस संसार में रहते हुए आज शत शत वर्षों के बाद जब बाईसा के किसी शब्द का किसी भाव का चिंतन करता है, उसकी भावना करता है, तो हृदय में वही वही परमाणु संचारित होने लगता है। सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, ओ गुण मारा बिसरा जो जी, ओ गुण मारा बिसरा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। देखो आज हम इस चरित्र का चिंतन आरंभ करेंगे। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो भी यहां बैठे हैं आप भी जब जब श्री मीराबाई सा कुछ गाएं आपको मुझे साथ में गाना है, उनके स्वर में अपना स्वर मिलाना है। मैं कई बार कहता हूं हमारे हमारे शब्द में हमारे स्वर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो दीन दयाल के कान तक पहुंचे, पर इनके शब्द समर्थ हैं। ओ गुण मारा बिसरा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। मैं तो थारी चरणन दासी, मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन आजो जी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा
स्वामी बेड़ा पार लगा जोरी, बेड़ा पार लगा जोरी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जोरी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जोरी। पर जैसे जब गंगा के अवतरण का समय आया ना, तो भगवती गंगा ने कहा कि मेरे उतरने के लिए स्थान कौन सा है, क्योंकि धरा तो मेरा वेग धारण नहीं कर पाएगी। जैसे ही मेरा अवतरण ब्रह्मलोक से होगा, मुझे धारण कौन करेगा, मेरी धारा को कौन धरेगा, क्योंकि ये धरणी मेरा वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। तो महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को स्थान दिया। ऐसे ही भक्त के रूप में जब प्रेम की कोई गंगा इस धरा धाम पर अवतरित होती है, तो उसके लिए कोई सुयोग्य स्थान चाहिए। तो मेड़ता का पवित्र राजकुल और राव दूधा, उनके जीवन का सर्वोच्च गुण क्या है, वो शूरवीर भी हैं, वो पराक्रमी भी हैं, राजधर्म का भी उन्होंने सम्यक प्रकार से पालन किया है, फिर भी उनके चरित्र का जो सर्वोज्ज्वल गुण है वो क्या है, संत सेवी हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन महल में किसी संत के चरण ना पड़ते हों, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन संत के मुख से कोई भगवत कथा वार्ता श्रवण ना करते हो, संत सेवी है। कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ होती है, वसुंधरा पुण्यवती होती है जब कोई भक्त आता है संसार में। इस संसार की सबसे सुंदर घटना अगर कोई है तो बस भक्त का ही आगमन है, जब परमार्थ के लिए संत आता है, जब अपने किसी निज जन को प्रभु भेजते हैं। तो राव दूधा का सर्वोज्ज्वल गुण यही है, संत सेवी है। एक एक प्रकार से उनका ये जीवन व्रत है, उनका नित्य नियम है, नित्य नियम है। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। और अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, ऐसे जन्म जन्म का पुण्य जब संचित होता है तब जाता है इस ओर, तब श्री कृष्ण की ओर, तब श्री हरि की ओर मन जाता है, सहज में जाता है। तो मेड़ता के पवित्र राजकुल में परम संत सेवी, परम संत चरणानुरागी राव दूधा के कुल में श्री मीरा जी का अवतरण होता है। ये भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, इसलिए नाम रखा गया मीरा। वो मीरा मीरा कहते कहते मीरा हुआ, पर नाम क्या है, मीरा। क्यों? क्योंकि भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, क्योंकि भक्ति महारानी ही राव दूधा के महलों में प्रकट हुई हैं, इसलिए जन्म लेते ही, और जन्म लेते ही क्या, जन्म से पहले जब मीरा जी गर्भ में थी, तो ऐसे ही ब्रज के एक संत का वहां जाना हुआ। राव दूधा ने चरण पकड़कर बड़ा आग्रह करकर उनको महलों में रख लिया कि आप श्रीमद् भागवत का प्रसंग नित्य सुनाया करें। छोटी बहू गर्भवती है, आप नित्य श्रीमद् भागवत का कोई ना कोई प्रसंग सुनाया करें। वैसे तो मैंने पहले भी कई बार इस विषय पर चर्चा की है, जो गर्भ का काल है ये सबसे महत्वपूर्ण समय है,
उस समय जितना गहरा संस्कार पड़ता है उसके अतिरिक्त फिर और किसी विधि से वैसा संस्कार उस आने वाले जीव को नहीं दिया जा सकता जो संस्कार गर्भ में पड़ता है। तो तपस्वी तेजस्वी राजपुरुष है रावदूता वो जानते हैं, तो उन्होंने संत के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज भागवत जी का कोई प्रसंग आप नित्य सुनाया करें। तो कह रहे हैं कि वो जो मीरा जी की माता जब वो गर्भवती थी, जब मीरा जी गर्भ में थी, जब श्रीमद् भागवत का प्रसंग सुनती थी तो ऐसे ऐसे विचित्र, ऐसे ऐसे अद्भुत, ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न वो कथा सुनाने वाले संत से किया करती थी कि राव दूधा भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो कहते थे कि हमको आज तक इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि हमारी बहू इतनी ज्ञानवती है। ऐसे ऐसे विचित्र, ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न ये पूछती है। 9 मास तक श्रीमद् भागवत जी की कथा चलती रही, पर कहते हैं जब दशम स्कंद की कथा आरंभ हुई सब प्रश्न समाप्त हो गए, फिर कुछ नहीं पूछती थी, फिर केवल आनंद कंद की कथा श्रवण करते करते बस मन आनंदित रहता है। ऐसे ही कृष्ण कृष्ण सुनती सुनती मीरा जी अवतरित हुई हैं इस धराधाम पर। कृष्ण कृष्ण सुनती सुनती, कृष्ण नाम कान में पड़ा है। तो जन्म से पहले ही लक्षण प्रकट होने आरंभ हो गए। अब जब जन्म हुआ तो जैसा मैंने कहा कि कोई और नहीं, स्वयं भक्ति महारानी ही प्रकट हुई है। मीरा जी के चरण पड़ते ही जैसे जन जन का मन मानस बदल गया। यही भक्त के संग का प्रताप कह लीजिए, ये प्रताप है। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कितनी मीठी बात कबीर कहते हैं, दर्शन कीजिए साधु का और साहिब आवे याद, जिसका दर्शन करके भगवत स्मृति हो जाए। अभी कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना कि संत को कैसे पहचानोगे, बस ऐसे ही जिसका दर्शन करके भगवत स्मरण हो जाए, जिसके पास आप जाओ तो प्रभु का नाम मीठा लगने लगे, अच्छा लगने लगे, प्यारा लगने लगे, संसार के विषय से सहज उपरति होने लगे। चाहे ये लक्षण क्षण दो क्षण के लिए प्रकट हो, पर संत का गुण यही है, ऐसे ही पहचाना जाता है संत। दर्शन कीजिए साधु का और साहिब आवे याद, सोई लेखे दिन घड़ी और बाकी के दिन बाद। तो इसे जन जन का मन मानस बदल गया। एक सुंदर, एक सरस, एक कोमल से भाव की भावना ने जिसे सबको भीतर बाहर से सुखी कर दिया, आनंदित कर दिया। ये सुख, ये आनंद कैसा है, क्यों है, किस कारण है, इसका किसी को कुछ पता नहीं है, कोई खबर नहीं है, पर सब सबका मन जो था ना सहज, सरस, सुंदर, सरल, सौम्य सा हो गया। दिन दिन बढ़ने लगी, खेल खिलौने में कोई रुचि नहीं है, न सहेलियों के संग बैठना अच्छा लगता है। क्या क्या रुचि है कि अधिक से अधिक अपने दादा के पास बैठूं, राव दूदा के निकट बैठूं, संतों के मुख से कथा श्रवण करती रहूं। संत प्यारे लगते हैं, संत मीठे लगते हैं, संत की बात अच्छी लगती है, प्रभु की कथा में रुचि है, प्रभु की कथा प्यारी लगती है, बस संत प्रभु की कथा सुनाते रहे। तो सहज ही रुचि योग में, ध्यान में। एक बात मैं आपको यहां निवेदन करूं कि भक्त सब कुछ कर लेने के बाद भक्त होता है। वो योग ध्यान आदि के सब सोपान पार कर लेने के बाद, क्योंकि भक्ति भक्ति उत्कर्ष है, भक्ति शिखर है। याते परे न और कोई भजन, न और कोई सुख। और सहज में ही मीरा जी को शिक्षा दीक्षा देने वाले संतों का आगमन भी महल में आरंभ हो गया। राव दूदा तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मीरा जी ने कहा मैं भी चलूंगी। पहले तो उन्होंने विचार किया, 4 वर्ष की नन्ही सी बालिका है, कैसे ले जाऊं इसे संघ में, लंबी यात्रा है। डाकौर जी जा रहे थे द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए, मीरा जी ने हट किया, राव दूदा संघ ले चले।
नन्ही सी बालिका प्रश्न पूछती है कि अभी कुछ दिन पहले तो एक संत के मुख से मैंने सुना था भगवान तो सब जगह है, सर्वत्र है, फिर उनके दर्शन के लिए तीर्थ पर क्यों जाना है। रावदूदा मीरा जी के नेत्रों की चमक देखते रह गए, हतप्रभ हो गए। चार वर्ष की बालिका ऐसा प्रश्न पूछती है। कहा बेटी तीर्थ में भगवान का दर्शन नहीं, तीर्थ में तो भक्त और संत का दर्शन करने जाया जाता है। वहां भक्त और संत रहते हैं ना, उनकी चरण रेणु के प्रताप से भगवत भक्ति हृदय में आती है, तो संतों और भक्तों का दर्शन करने के लिए तीर्थ पर जाते हैं। मार्ग में मिल गए एक सिद्ध योगी, योगी निवृत्तिनाथ उनका नाम। मीरा जी की ओर सहसा उनका मन आकर्षित हुआ। अपनी ओर से ही उस निर्लिप्त महात्मा ने अपनी ओर से रावदूदा को कहा कि आप कहें तो मैं इस बालिका को योग की शिक्षा देना चाहता हूं। रावदूदा सहर्ष तैयार हो गए। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था कि यहां वहां खींचातानी मत करिए, दौड़ भाग मत करिए, जहां है वहीं पर रहकर स्वयं को पात्र बनाइए। प्रकृति पात्र को वंचित नहीं रखती, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण की भी देर नहीं होगी, आप तक आएगा कोई, वो बड़ा समर्थ है, सर्व समर्थ है। भूलिए मत एक क्षण के लिए भी अपने मन से ये बात, भूलिए मत कि आप और मैं दुर्बल हैं, आप और मैं असमर्थ हैं, आपके मेरे हाथ पैर बंधे हैं। सब ना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसार, सब ना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसार। वो सर्व समर्थ है, एक क्षण की भी देर नहीं होने देगा। उन संत ने स्वयं कहा मैं देना चाहता हूं इसको, योग की शिक्षा दीक्षा देना चाहता हूं। जब तीर्थ यात्रा से लौट कर आए, उन संत का भी आना हो गया, मीरा जी की योग ध्यान की शिक्षा आरंभ हो गई। और देखते ही देखते ऐसे चुटकी में मीरा जी की समाधि लग गई। चुटकी में ही कहना चाहिए, बड़ा अल्प सा प्रयास और मीरा जी की समाधि लग गई। संत कहने लगे भाई छोरी तो जन्म जन्म की जोगन है, ये तो जन्म जन्म की योगिनी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, कभी मैंने पहले भी आपसे कहा था, एक योगी अनेक अनेक साधन प्रयास करके जहां पहुंचता है, भगवान का भक्त भगवान नाम की कृपा से, भगवत गुणानुवाद की कृपा से सहज में उस दशा को प्राप्त कर लेता है। योग का प्रसाद क्या है? जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो जाना, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। वो क्या है कि वो जो जीवनी शक्ति, वो जो विद्युत की धारा है, वो जो सर्पाकार अवस्था में सुप्त पड़ी है आपके मूलाधार चक्र के निकट कहीं, उसका जागरण हो और उसकी ऊर्ध्वगति हो जाए, यही योग का प्रसाद है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये सब कर लेने के बाद योगी जहां पहुंचता है, देखो यो अष्टांग योग है। सबसे पहले यम नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवा ध्यान, फिर समाधि। तो आप देखो 6 सोपान पार करने के बाद योगी ध्यान में पहुंचता है। सप्तम सोपान ध्यान है, ध्यान में योगी पहुंचता है। आप देखो भक्त भगवान की कृपा से सहज में ही भगवान के ध्यान में रहता है, और योगी तो बेचारा किसी ज्योति के ध्यान में पहुंचता है, किसी निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति के ध्यान में पहुंचता है, और भगवान का भक्त भक्ति महारानी की कृपा से अपनी जीवनी शक्ति के ऊर्ध्वगमन को प्राप्त करके त्रिगुणातीत सच्चिदानंद घन विग्रह प्रभु के ध्यान में दिन रात लगा रहता है। ये जो आपको बार बार अनेक अनेक विधियों से, अनेक अनेक भावों से, ये जो बार बार नाम जप की ओर लगाया जाता है, उसका कारण एक यही है। जब नाम जिह्वा पर आता है ना, नाम क्या है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काले, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। इसमें एक शब्द बहुत ध्यान देने का है, मैं कई बार पहले भी आपको संकेत कर चुका, आज फिर कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के नाम में भगवान ने निज माने अपनी, सर्व माने सारी, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है। जब वो नाम जिह्वा पर आता है, इसलिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं नाम रटत आई सब सोही, केवल रटने मात्र से ही, नाम रटत आई सब सोही, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रन। रटते रटते क्या होगा,
अरे सर्वशक्तिमान प्रभु का नाम आपकी जिह्वा पर है, वो जो आपकी जीवनी शक्ति का अधोगमन हो रहा है, वो जो बार बार विषय की ओर जाती है, बार बार विषय का चिंतन करती है, नाम की कृपा से, नाम के कीर्तन की, नाम के गान की, नाम के ध्यान की कृपा से वो जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। ऐसी सहज में घटना घट जाती है। और आपको ये ना सोचना कि मैं ऐसे ही कहीं से पढ़कर और ऐसी कोरी भाव भावना की बात आपको बता रहा हूं, ना ना ऐसा नहीं है। नाम प्रगट जग जानिए, नाम का प्रताप तो प्रगट है भाई। तभी तो भावुक जन कहते हैं जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, और लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। और तुलसी बाबा तो एक बड़ी मीठी बात और कहते हैं, कह रहे सुमिरी पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राखे रामू। तो मीरा जी तो भक्ति हैं, मीरा भक्त नहीं, मीरा भक्ति है, भक्ति। मीरा जी के रूप में कृष्ण भक्ति अवतरित हुई है, कृष्ण भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित हुई है। तो बस सहज में बड़े थोड़े से प्रयास से, अल्प से प्रयास से समाधि लग गई। जब योग ध्यान से हो गया मन स्थिर शांत निर्मल, ऐसे ही हाथ में तानपुरा लेकर और युगल का यश गाते गाते वृंदावन से एक एक संत और पहुंच गए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जिसको सहज में आकर्षण है ना श्री कृष्ण की ओर, वो ये जान ले समझ ले कि भाई वो अनेक अनेक जन्मों का संस्कारी पुण्यात्मा कोई जीव है, ये तो शास्त्र का प्रमाण है। और भगवान श्री गीता जी में ये बात कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अर्थात कि मेरी शरण में आने वाला ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी ही मेरी शरण में आता है। संस्कारी जीव का आकर्षण होता है भगवान की ओर, कोई जन जन का पुण्यात्मा संस्कारी जीव होता है जिसको सहज में श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, जिसका सहज में श्री कृष्ण की ओर आकर्षण होता है, जिसकी चेतना सहज में ही श्री कृष्ण की ओर चल देती है, वो जन्मों का कोई संस्कारी योगी जीव होता है। वो सब साधन करके आया है, तब प्रभु ने चयन किया है उसको अपनी भक्ति का अमृत चखाने के लिए। तो अभी योग की शिक्षा पूरी हुई ही थी, आ गए कोई रसिक संत। अच्छा एक बात यहां मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस चरित्र चिंतन से जो प्रथम प्रसाद मिलता है वो ये कि मीरा जी को जीवन में जो मिला संतों के हाथ से। यद्यपि वो स्वयं भक्ति हैं, वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नहीं आई हैं, वो तो कृष्ण प्राप्ति का मार्ग हैं। मीरा कृष्ण प्राप्ति का एक मार्ग है, किसी को कृष्ण प्राप्त करने हो तो मीरा उसके लिए एक मार्ग है। मीरा जी अपने आप में एक रास्ता है, तो वो तो कृष्ण प्राप्ति का मार्ग है। लेकिन मीरा जी को जीवन में जो जो मिला ठाकुर जी ने दिलाया संतों के हाथ से, प्रसाद मिला संतों का, प्रसाद गुरु प्रसाद, संत सब ही गुरुदेव है। इन्हीं भक्तों का चरित्र चिंतन करते करते ही हमारे जीवन में भी ये भाव दृढ़ हुआ कि भाई अपनी सारी आस्था, अपनी सारी श्रद्धा, अपना सारा विश्वास बस इन संतों के चरणों में रख देना है। क्योंकि जहां संत जन गात हैं तहां रमैया जाए, तहां रमैया जाए। संगीत की शिक्षा आरंभ हुई और बस यहां से वो अंकुर फूटा, यहां से भाव देह ने आकार लेना आरंभ किया। संगीत में दो वस्तुएं हैं, रस और भाव। और हमारे श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं रसम राधायाम आ भजति किल भावम व्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। जो संगीत है ना ये युगल का स्वरूप ही है। संसार में तो लोक में तो
शास्त्र आदि का अगर विचार करें तो संगीत की देवी भगवती शारदा को कहा जाता है। देवी सरस्वती संगीत की देवी है, वो वीणा वादिनी है। पर जो मूल रूप में जो संगीत का उद्गम हुआ है वो तो हुआ है रस और भाव मूर्ति से, क्योंकि संगीत में दो ही वस्तु है, रस है और भाव है। संगीत शास्त्र का पहला वाक्य यह है कि संगीत का उद्देश्य क्या है, रस का सृजन करना, यह संगीत का उद्देश्य है। भाव होगा तो रस का सृजन होगा, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, ये दोनों आश्रय भी हैं और आश्रित भी हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, भाव नहीं होगा तो रस नहीं आएगा। मान लो कोई व्यक्ति गा रहा है, अगर वो उसके उसके भीतर भाव नहीं है तो सुनने वाले को रस नहीं आएगा, रस नहीं आएगा तो भाव नहीं बनेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए ना। तो संगीत में क्या है, रस है और भाव है, और रस और भाव की मूर्ति कौन है, श्री महाप्रभु जी स्पष्ट करते हैं, रसम राधायामा भजति किल भावम व्रजमणौ, रस मूर्ति श्री प्रिया जी और भाव मूर्ति श्री लाल जी। रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। इसलिए संगीत तो युगल का स्वरूप है, ये भगवती ये भागवती विद्या है। संगीत जो है वो भागवती विद्या। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं कि जिस जिसने पाया उसने गाया, वो गा रहा है। और हमारे महाप्रभु का जीवन तो श्री प्रियादास जी करे करे निस दिन गान, रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। वहां श्री स्वामी जी कह रहे हैं, श्री हरिदास के स्वामी, श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। वहां से लेकर और यहां इस लोक में इस व्यवहार में भी कोई तो कहते हुए सुनाई पड़ जाता है ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। प्रेम की अभिव्यक्ति है संगीत, वो जो हृदय का जो प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति संगीत है, वो संगीत से अभिव्यक्त होता है, भागवती विद्या है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात ये कह रहा हूं कि ये मनोरंजन के लिए नहीं है। जो हमारा शास्त्रीय संगीत है वो मनोरंजन के लिए नहीं है, वो तो भव भंजन के लिए है। गाते गाते संत भव सिंधु से पार हो गए, प्रभु का गुण गाते गाते। सूरदास जी ऐसा गाते हैं कि गिरधर गोपाल को सूरदास जी का गान सुने बिना चैन नहीं पड़ता, ऐसा गाते हैं सूरदास। मीरा जब अपने तंबूरे पर तान छेड़ती हैं तो योगियों का सहज मन होता है, भाई थोड़ी देर के लिए ये अपना ध्यान समाधि छोड़कर और जाकर इस रस का पान करें। संगीत, अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई प्रभु ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कोई भी ऐसी एक वस्तु खोजकर नहीं निकाल सकता हूं जो मैं ये कहूं कि भाई प्रभु ने ये नहीं दिया, बाकी सब दिया, ये नहीं दिया, सब दिया। हमारी योग्यता और पात्रता से कहीं अधिक दिया, लेकिन प्रभु के दिए हुए प्रसाद में जो सर्वश्रेष्ठ है वो ये कि प्रभु का गुण गा सकते हैं। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भा, तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया, तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। मैं कभी सोचता हूं कि गा नहीं सकते तो क्या करते, तो हम तो क्या ही करते, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। और मैं तो आपको सच सच कह रहा हूं कि मैं खाने के बिना रह सकता हूं, गाने के बिना नहीं रह सकता हूं, गाए बिना नहीं रह सकते, खाए बिना रह सकते हैं, गाए बिना नहीं रह सकते। मोहनी मूरत सांवरी सूरत चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल।
नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मैंने आरंभ में ही आपसे कहा कि जब जब श्री मीरा जी गाए आपको मुझे संग में गाना है। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, चंचल नैन बिसाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट पीतांबर सो है, मोर मुकुट पीतांबर सो है, मुस्कन अधर रसाल, मुस्कन अधर रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में बसो मोरे नंदलाल। और भक्तों के मुख से श्रवण किया है, संत कहते हैं कि गीत संगीत की शिक्षा दीक्षा पाकर श्री मीरा जी ने जन्माष्टमी के दिन ये प्रथम भाव अपने गिरधर गोपाल के चरणों में निवेदन किया। मोर मुकुट पीतांबर सो है, मोर मुकुट पीतांबर सो है, मुस्कन अधर रसाल, मुस्कन अधर रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, 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 बसो मोरे। एक बात और कहकर आगे चलूंगा कि जिसके जीवन में संगीत है उस व्यक्ति के जीवन में कभी कभी निराशा और अवसाद नहीं आ सकते। जिसके जीवन में संगीत है और फिर गुरुजनों की कृपा से संस्कारों के बल से यदि यह भाव प्रभु के चरणों में निवेदन कर दिया जाए फिर तो कहना क्या है। फिर तो मैं बड़ी दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूं फिर उसे किसी और साधन की आवश्यकता ही नहीं है।
गाया गाया हरिगुण गाया और काल ब्याल से बाची। और जिस युग में जिस काल में आप और मैं यहां इस संसार में हैं, द कलयुग महा कीर्तन प्रधाना, कलयुग का तो धर्म ही यही है, गाइए हरि का गुण गाइए। कलयुग महा कीर्तन प्रधाना और गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। ताहा बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे सरधा ल्यावे, आपे सरधा ल्यावे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुरु एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि गाना ना आए तो क्या करें, बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि मैं ऐसे भी नहीं कह सकता सीख लो, सीखने की तो बात नहीं है, ये तो जिसको प्रभु प्रसाद दें सो दें। मैंने कहा उत्तर देना भी आवश्यक है, तो मैंने कहा आप प्रेम करो गाना आ जाएगा। प्रेम ही लाता है जीवन में ये माधुर्य। आप प्रभु की ओर प्रेम से देखिए, आप प्रभु की ओर प्रेम से निहारिए। और बड़े कौतुकी हैं मेरे नाथ, वो कभी आपको किसी रंग भरी दृष्टि से देखेंगे, मैंने उस दिन आपसे कहा था ना, ऐसे ही दृष्टि से प्रभु स्पर्श करते हैं जीव का, ऐसे बैठे बैठे कभी कभी कोई क्षण ऐसा आ जाता है आपको लगता है कि कोई छू गया है आपको, ऐसे प्रभु दृष्टि से स्पर्श कर लेते हैं, किसी संत के शब्द से प्रभु स्पर्श कर लेते हैं, संत के शब्द से भी प्रभु ही छूते हैं, जीव का स्पर्श प्रभु ही करते हैं, संत के शब्द से अपनी दृष्टि से छू लेते हैं, अपनी मुस्कान से मर्म का भेदन कर देते हैं। ऐसे आप बस प्रेम से उनकी ओर देखिए, आप प्रेम से उनको निहारिए। गाना ना आए तो रटिए जपिए, ऐसी किसी दिन वो रंग भरी दृष्टि आप पर होगी और आपके जीवन में ये रस का उद्रेक हो जाएगा। तो योग ध्यान गीत संगीत ये सब शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। जिन संत ने श्री मीरा जी को संगीत सिखाया, सरस हृदय थे। एक दिन उनसे श्री मीरा जी ने कहा कि समाधि का वो उज्जवल प्रकाश देख लेने के बाद भी मेरे हृदय में कोई अभाव खटकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मुझे तृप्ति नहीं हुई, मेरे हृदय में कोई अभाव खटकता है, जाने कैसी पीड़ा है। सब तो ठीक है, सब तो अनुकूल है, तन भी स्वस्थ है, मन भी सहज है, पर फिर भी कैसे अनजानी सी हृदय में कोई पीड़ा है, कभी कभी ऐसे हुक सी उठती है, वो अभाव मुझे खलता है, वो अभाव मुझे चैन नहीं लेने देता। वो राजकुमारी हैं, सर्व सद्गुण संपन्ना हैं, उनके स्मरण मात्र से भक्ति का संस्कार उदय हो जाता है। वो ये बात कहती हैं कि समाधि की अवस्था में पहुंचने के बाद भी कोई अभाव है जो मेरे हृदय में खटकता है। कहते मीरा जी जिस भाव से ये बात बता रही थी उन रसिक संत को सुनते सुनते, वो रसिक संत के नेत्र सजल हो गए। जब उन्होंने किंचित जानने का प्रयास किया मन ही मन मीरा जी की स्थिति को, और कुछ तो नहीं कह पाए, करुणामयी तुम पर कृपा करें, और बस उस संत ने मीरा जी के सर पर अपना हाथ रख दिया और कहा कि बेटी मैं तो तुम्हें इतना ही कह सकता हूं कि बड़भागी जनों को यह पीड़ा मिलती है, जो बड़भागी होते हैं उनके हिस्से ये पीड़ा ये विवशता आती है। इसलिए आज जहां से मैंने आरंभ किया, जिन शब्दों से मैंने आरंभ किया,
कि जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई दे तुमको, उसी मानस में बंधु सांवरा सरकार मिलता है। बड़भागी होता है जिसको जिसको ये पीड़ा प्रसाद रूप में मिलती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपने शब्द, पीड़ा ही आत्मा का स्नान है। ये जो चाह चटपटी है, ये जो पीड़ा है, यही प्रभु के योग्य बनाती है, यही वेदना भक्त की सामर्थ्य बनती है। ये जो प्रभु मिलन की ये जो चटपटी है, ये जो वेदना है, ये भक्त का सामर्थ्य बनती है। ध्यान रखना, प्रभु के प्रेम में रोने वाला दुर्बल नहीं होता। संसार में रोने वाला दुर्बल हो सकता है, पर प्रभु के प्रेम में रोने वाला दुर्बल नहीं है। उसके वो अश्रु उसकी दुर्बलता नहीं है। गोपी जब रो रो कर गा रही है तो उसके लिए कहा जा रहा है, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत त्रयम। गोपी का ये प्रेम गीत, अरे गोपी का जो ये रुदन है, कि ये तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। पुनाति भुवनत त्रयम। संत ने केवल इतना ही कहा, बेटी मैं तो तुझे इतना ही कह सकता हूं कि बड़भागी होते हैं जिनके हिस्से में ये पीड़ा आती है। नहीं तो भाई जीव संसार में रोता आता है, रोता ही रहता है, और ऐसे ही ऐसे अभावग्रस्त हो रोता यहां से चला जाता है। जिस तन लागे सो तन जाने, जिसने जिसने ये सुखी रस पाया है वो जानता है कि प्रभु के प्रेम में प्रभु के विरह में रोना, अरे इससे बड़ा कौन सुख होगा। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे, जी ही दुख सम नहीं और सुख। अरे सुख की गति कहे कौन, कह रहे जहां के दुख जैसा कोई और सुख नहीं है वहां सुख की बात कौन कहे। ऐसे रोम रोम में घुलती ये मधुर मधुर सी पीड़ा, नन्ही सी बालिका, और संत देख रहे हैं उसके निश्चल मुख की ओर की क्या कह रही है। कहते कहते नेत्र सजल हो गए, कंठ स्वर रुंध गया, होठ कांपने लगे, और मीरा को खबर नहीं पड़ी कब हाथ हृदय पर चला गया। कि ऐसे हृदय में हुक्सी उठती है, कोई खींचता है, कोई कोई अज्ञात मुझे मुझे अपनी ओर खींचता है। सब तो ठीक है, सब स्वस्थ है, मेरी माता, मेरी धाये, मेरी मेरी सहेलियां, मेरी सखियां सब पूछती हैं कि आप स्वस्थ तो हैं, ये बार बार आपका हाथ ये आपके हृदय पर क्यों चला जाता है। आपके हृदय में कोई कष्ट कोई पीड़ा हो तो वैद्य को दिखाया जाए। और जब ये स्थिति नहीं सुधरी तो मीरा की कुछ सखियों ने, मीरा की धाये ने जाकर मीरा जी की माता जी से कहा कि लगता है ये कुछ कह नहीं रही है लेकिन हृदय में कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, वैद्य जी को दिखाना चाहिए। पर तन मन सब स्वस्थ हैं। जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज को बड़ा तीव्र ज्वर जानकर पिता ने वैद्य को दिखाया, वैद्य ने नब्ज देखी, नाड़ी देखी, बोले सब ठीक है। और गुरु साहब कहते, भाई मुझे तन का नहीं, मुझे मन का ताप है। ये ताप साहेब से बिछड़ने का है, ये ताप स्वामी से दूर होने का है। और ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। सावन भादो से पहले जेठ आषाढ़ आता है, तपती है धरती, फिर मेघों में हलचल होती है, धरती का ताप देखकर मेघों में हलचल होती है, और फिर वो बरसाते हैं अपना संचित रस इस धरा पर। ऐसे योग ने, ध्यान ने, गीत संगीत की शिक्षा दीक्षा ने, संतों के संग ने उस भक्ति के संस्कार को प्रबल पुष्ट कर दिया। भक्त के आने का यह भी एक हेतु है ना। मैंने कहा ना, मीरा जी तो कृष्ण प्राप्ति का मार्ग है। देखो क्या क्या किस क्रम से घटनाएं उनके जीवन में घट रही हैं। सबसे पहले कान में क्या पड़ी, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहले कान में पड़ी हरि की कथा, हरि की कथा। एक बात तो भाई गांठ बांध लेना, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भा, मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अन्ना। नागपाश से जब गरुड़ जी ने मुक्त किया, मन में एक बात आ गई, बोले क्या ये भगवान है जिनको हमने मुक्त किया है। बोले वो परात्पर परब्रह्म कैसे हो सकते हैं। बस जैसे ही मन में ये आया कि है या नहीं है, जैसे संशय आया, संशय का स्पर्श होते ही रसाभास हो जाता है,
इसलिए गीता में भगवान कह रहे संशय आत्मा विनश्यति, कुसंग से बचने के लिए क्यों कहा जाता है, वो कोमल संस्कार को क्षतिग्रस्त कर देगा, मन में संशय आ जाएगा कि भाई ऐसा है भी कि नहीं। 10 बार किसी के मुख से सुन लो नहीं है नहीं है नहीं है, अरे कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, आप देखो मन में एक विचार उठने की संभावना है वैसा। इसलिए संत कह रहे हैं, संत प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कह रहे प्रभु बहु भलवास नरक करित राता पर दुष्ट संग जिन दे विधाता। हे प्रभु हमको विमुख जन से दूर रखना, विमुखों का संग ना मिले। अरे तुलसी बाबा तो यहां तक कह रहे जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अपने भक्तों के संग रखना, संतों के संग रखना, विमुख का संग न देना। इसीलिए बार बार कहा जाता है दुसंग सर्वथैव त्याज्य, कुसंग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और ये जो संशय का बीज है ये कब वट वृक्ष बन जाता है पता नहीं चलता, बड़ी हानि होती है साधक को, इससे बड़ी भारी हानि हो सकती है। कई बार हमने यहां चर्चा की, एक भाव का भजन करने वाला अगर दूसरे भाव के भजन करने वाले का ही संग करने लगे तो ही कहीं ना कहीं भाव में रसाभास होने लगता है, होने की संभावना हो जाती है। और फिर जो नितांत भजन विमुख है, संस्कारहीन है, उसका संग करने से सोचो कितनी बड़ी हानि होगी, कितनी भयंकर हानि हो सकती है। तो बिन सत्संग न हरि कथा तेही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। गरुड़ जी को संशय हो गया। मैं तो कई बार विचार करता हूं, देखो गरुड़ जी के पंखों से वेद ध्वनि प्रकट होती है, वो ज्ञान स्वरूप है, उन्हीं के मन में संशय आ गया। यहां वहां बैठे होंगे किसी के पास जाकर, पता नहीं क्या हुआ होगा, ये सब बात तो लिखी नहीं है, पर संशय हो गया। अब जैसी संशय हुआ मन अस्थिर हो गया, और मन का अस्थिर हो जाना माने मन का दुर्बल हो जाना, मन की स्थिरता ही मन की शक्ति है, मन की एकाग्रता ही मन का बल है। और जैसे मन अस्थिर हुआ मन दुर्बल हो गया, अब उनको चैन नहीं है। तो जब नारद जी मिले तब उन्होंने कहा कि अरे आपको थोड़ा रोग हो गया है, औषधि कहाँ है, बोले वहां जाइए जहां काग भुसुंडी रहते हैं। तुलसी बाबा कहते ना तहां गए हो जहां बस ही भुसुंडा, वहां जाइए जहां काग भुसुंडी रहते हैं। क्या करेंगे वो, बोले वो हरि की कथा सुनाएंगे, आपके रोग की यही औषधि है। तेही बिन मोह ना भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही ना दृढ़ अनुराग। कोई ऐसो रे सुखदाई जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति होए हमार, तिस भेटे गति होए हमार। तुम अगर क्रम देखें ना मीरा जी के जीवन में, घटनाक्रम देखें, सबसे पहले हरि की कथा आई है, फिर योग ध्यान गीत संगीत। अब कोई कहे कि वो तो भक्ति हैं, योग ध्यान की आवश्यकता क्या थी, चलो गीत संगीत की बात तो ठीक है। मीरा जी की मां भी यही कहा करती थी कि चलो गीत संगीत सीखे सो तो ठीक है, बोली वैसे तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको कौन सा सभा में गाना है। और बोले जो घर परिवार में गाए जाने वाले गीत आदि हैं वो तो घर की दासियां और दमामणियां जो हैं बोले वो सिखा देंगी, गीत संगीत की शिक्षा की भी क्या आवश्यकता है, पर आदेश किसका है, राव दूधा का आदेश है, उनके सामने बोले कौन। तो मीरा जी की माता को लगता है वैसे तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, पर चलो ये सीख भी लिया तो सो ठीक है, पर इस योग ध्यान की क्या आवश्यकता है, इसको कोई बैरागियों के संग में घूमना है, इसको बाबाजियों के संग में रहना है, अरे कल घर जाएगी, घर परिवार संभालेगी, अगर घर का काम नहीं आता होगा तो बोले दासियों की गलती कैसे पकड़ेगी। मीरा जी की मां को अपनी चिंता है, उनकी उनके मन में इस बात का प्रश्न है, भाई इसको इस सब की आवश्यकता क्या है।
आवश्यकता केवल आपको मुझे एक बात का संकेत करने की है कि समाधि तक पहुंच जाने के बाद भी मन तृप्त नहीं हुआ, मन में कोई अभाव खटकता है। ये जो अनेक बार मैं आपको प्रकारांतर से निवेदन करता हूं ना कि भाई आत्मा का, जीवात्मा का परम विश्राम प्रेम है। प्रेम जब तक ये जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंचेगी तब तक अटकन भटकन है, और जीवात्मा का जो निज गेह है, जो परम विश्राम है, वो प्रेम है, निष्काम प्रेम। और निष्काम प्रेम अर्थात जिसमें जिसमें लेश मात्र भी भाव नहीं है लेने का। कल भी मैंने आपसे कहा था प्रेम को पाना है तो फिर प्रेम देने जाइए। प्रेम को पाने की एक ही व्यवस्था है, प्रेम देना ही प्रेम पाना है। केवल इस बात को, इस सिद्धांत को आलोकित करने के लिए मीरा जी के जीवन में घटना घटी। बड़ी शीघ्रता से सब सीख लिया, समाधि तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी फिर मन अभी अभी अधूरा लगता है, अभी मन में कुछ टीस है। और जहां आरंभ में मैंने कहा जैसे ही पात्र तैयार होता है ऐसे ही प्रकृति व्यवस्था कर देती है, धरती तपती है, बादल बरस जाते हैं। और मैं तो पहले दिन से कहता हूं आपसे, जब कोई तरसता है फिर घनश्याम बरसता है। कोई प्रभु के लिए तरसे, तरस जाए, तद विस्मरणम परम व्याकुलते, तभी रस खान कह रहे हैं सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। कभी देखना, ईमानदारी से देखना, किसी को बताने सुनाने के लिए नहीं, केवल अपने लिए, केवल अपने लिए देखना कि कभी मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षण आया जिस दिन मुझे लगाओ कि अब प्रभु के बिना और कुछ नहीं चाहिए। अब या बिरहा की तब आंच मिटे जब आए कि शाम लगे गल में, क्या हमारे हिस्से कोई ऐसा क्षण आया है? क्या हमें मिला है वो आंसुओं के हार का उपहार? क्योंकि जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। कभी हुई है ऐसी बेचैनी? न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। और वहां हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि ज्ञान सहित नर देहवर और भरत खंड में हुई तो हूं ना चाख्यो प्रेम रस। यही तो प्रेम रस है, अरे तो हूं ना चाख्यो प्रेम रस, अरे ताको रहिए रोई। अरे उसका जीवन व्यर्थ है जिसके नेत्र कभी सजल नहीं हुए, जिसका हृदय कभी व्याकुल नहीं हुआ, जिसकी वाणी कभी गदगद नहीं हुई, जिसका कंठ स्वर कभी कभी रुंधा नहीं, जिसको कृष्ण कृष्ण करते कभी संसार के विषय से उभरत ही नहीं हुई, जिसके हृदय ने कभी ये रस चखा ही नहीं। ये रस शाम बिना जग खारो लागे, शाम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची मायरी माई सांवरे रंगराजी, सांवरे रंगराजी। क्षण आ गया जब घनश्याम बरसा, आ गए कोई संत, एकाकी थे, बड़ा बड़ा एकांतिक उनका जीवन, दिव्य सुंदर प्रभु का श्री विग्रह उनके संग, और बस अपने कक्ष में उनको विराजमान करके और बस दिन रात प्रभु की परिचर्या में निमग्न। और उनकी ओर से आदेश था कि उनके उनके एकांत में बार बार विक्षेप उपस्थित न किया जाए, एकांतिक महात्मा थे। अनेक अनेक स्वभाव वाले संत होते हैं ना, किसी को समूह में रुचता है रहना, किसी को एकांत प्रिय है, दोनों ही लोक का कल्याण करते हैं, दोनों ही अपने अपने प्रकार से लोक का मंगल करते हैं, एकांतिक महात्मा थे। अपन नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में, भक्ता एकांतिनो मुख्याः, एकांतिक जो भक्त हैं बोले वो मुख्य हैं।
और इतना तो मैं भी आपको कहूं कि अगर बात प्रेम की हो तो फिर एकांत में जाना नहीं पड़ता, एकांत विवशता हो जाता है, फिर एकांत आपकी विवशता हो जाता है। क्योंकि कल भी मैंने आपसे कहा था ना भाई, एक बात तो आप गांठ बांध कर रख लेना, या तो ये सब संसार रहेगा या अकेले ये रहेंगे, थोड़ा ये थोड़ा वो, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, तो अकेले ये रहेंगे। ये जो लोग पूछते हैं ना कि जैसे आज भी मुझसे किसी बालक ने पूछा है कि ऐसा विचार आ रहा है कि अब संसार में और नहीं उलझना, जो प्रारब्ध से प्राप्त है बस उसी के प्रति कर्तव्य व सेवा करते हुए मन गुरुजनों की कृपा से सिमटा रहे, नए संबंध बनाकर स्वयं को उलझाया ना जाए, आप ऐसे में मार्गदर्शन कीजिए। इनका अभिप्राय विवाह से है कि हमारा एवं हमारे माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए। विचार तो बड़ा सुंदर है, हम तो यही कहेंगे, पर मैं आपको ये कहूंगा कि विचार आते जाते रहते हैं। यदि अभी ये केवल विचार है तो केवल विचार से काम नहीं चलेगा, संकल्प चाहिए, इसके लिए संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प। जैसा उस दिन मैंने आपको राष्ट्र कवि की कविता की दो पंक्तियां सुनाई ना, कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, अब पता नहीं किस ओर चली, ये बीच नदी की धारा है, सूझता ना कोई किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। फिर ऐसा संकल्प चाहिए, विचार पर मत जाइए। विचार तो किसी और का भी हो सकता है जो जो आप में संक्रमित हो गया, और विचार तो आते जाते रहते हैं, संकल्प अपेक्षित है। और एक और बात कहकर चले आगे कि अगर आपका संकल्प हो जाएगा फिर ये प्रश्न रहेगा ही नहीं। जब आपका संकल्प होगा ना फिर आपके पास ये प्रश्न रहेगा ही नहीं। नदी जब चलती है समंदर की ओर तो न तो किसी से रास्ता पूछती है और न किसी से इजाजत लेती है, वो तो चल देती है, और जो चलता है वो एक दिन पहुंच भी जाता है, तो चलेगा वो पहुंच जाएगा। पर अगर आप सोचो ना, ठाकुर जी आपसे आकर ये कह दे कि नहीं नहीं भाई सब छोड़ो हमारा भजन करो, ये तो 100,000,000 जन्म में भी नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे किसी से कि सब छोड़ो हमारा भजन करो, ना ना ना, ये तो कहेंगे जो कर रहे हो वो ही करो, अच्छे लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, हमसे कुछ चाहिए तो ले जाओ। इनके तो भाई पीछे पढ़ना पड़ता है, अगर नहीं पढ़ना पड़ता तो सहजो भाई नहीं कहती मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं, सरक सरक तुम माए हमारे पल पल माए करो रखवारे। अभी कुछ दिन पहले कोई हमारे पास में आए, बड़ा उनका आग्रह था कि एक बार तो हमारे यहाँ आइए सत्संग के लिए, एक बार तो आइए। बोले अच्छा आप ठाकुर जी से पूछ लीजिए। बोले हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो ना नहीं करेंगे। मैंने कहा इसमें आपके विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं, तो मुझे भी पता है, मैं एक बार उनसे पूछने जाऊंगा वो दो बार कहेंगे, मैं कहूंगा एक बार जाऊं कहेंगे दो बार जाओ। संतों गुरुजनों की कृपा से इतना तो इनका स्वभाव हमको पता चल गया है, ये नहीं चाहते हैं भाई, ये तो अपने निजानंद में मग्न है। यहां तो फड़ ले आप पल्ला तेरा तो फिर हो जाए जो होना, वहां तक जाओ जहां तक ये प्रश्न ना रहे। मुझसे मत पूछो, किसी और से भी मत पूछो, आपकी जीवन यात्रा है, हमसे मत पूछो।
सत्संग श्रवण करते करते जा सकते हो तो वहां तक जाओ जहां ये प्रश्न रहे ही नहीं, इस प्रश्न का कोई अर्थ ही ना रहे कि भाई यहां जाऊं या वहां जाऊं, अभी दो रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं ना, और आगे चलो। और मैं तो आपको अपनी ओर से ये कहूंगा कि ऐसा प्रश्न मुझसे नहीं, किसी से भी नहीं पूछना, आपकी यात्रा है, आप निर्णय लेना। अभी परसों की बात है, हाँ मैं भूल गया, आप लोग हंस देते इसलिए मैंने कहा कि गंभीर विषय चल रहा था। महाराज जी, मुझसे किसी ने पूछा कि मैंने लव मैरिज किया है, अब मेरे मां बाप मान नहीं रहे, क्या करूं। मैंने कहा मुझे तो कोई अनुभव है नहीं इसका, ये सब क्या है हम तो जानते नहीं। और जो आपने ये शब्द प्रयोग किया ना लव मैरिज, ये शब्द ही गलत है। लव को मैरिज की आवश्यकता ही नहीं होती, और मैरिज के बाद बेचारा लव रहता नहीं है कहीं पर भी, ये भी देखने में आता है कि आ ही रहा है। तो इनका ये तो आपका जंजाल है, आप संभालो, हमको तो कोई इसकी दूर की भी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, पर जो उससे पहले पूछ रहा है ना, प्रश्न अच्छा है, आपका विचार भी बड़ा अच्छा है कि जो प्रारब्ध से प्राप्त है उसी को स्वीकार करके उसी की सेवा की जाए और उलझन न बढ़े। पर मैं कह रहा हूं केवल विचार से काम नहीं चलेगा आपका, जब तक आपका संकल्प ना हो जाए, जब तक आपको लगे कि भाई मेरे लिए अब कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, एक बार आप वहां तक चले जाइए फिर आगे। जीमी बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी। श्री रुक्मणी जी ने मन ही मन मान लिया ना भाई, ये स्वामी आप ही हैं, आपके अतिरिक्त मेरी छाया का कोई और स्पर्श न करे। पत्र लिखकर भेज रही है, पता नहीं पत्र पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और कहूं क्या अंतर या। मन मौन निवेदन कर दिया, अगर संकल्प दृढ़ है ना, फिर एक बात मैं सदा कहता हूं भाई, शेर का हिस्सा कुकर सियार लेकर नहीं जा सकते, पर पहला पग आपको उठाना पड़ेगा। वो तो अनादिकाल से यही कह रहे हैं, जो चली है तू एक पग, तो चली हो पग साठ, पहला पग आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए भाई मुझसे क्या, किसी से भी नहीं पूछना ये बात, मेरी तो बस एक अच्छी सी सलाह है, ये विचार अच्छा है, इसको और पानी दो और सींचो, इसकी जड़ गहरी हो जाए कि प्रश्न रहे नहीं। और जब तक प्रश्न है, तब तक तो मैं कहूंगा कि भाई फिर अपने आप को कोई विशेष प्रतिभा संपन्न न समझते हुए जो साधारण मार्ग है उसी पर ही चलना चाहिए। भूल होने से अच्छा है कि जो शास्त्रोचित मार्ग है फिर उसी का ही पालन किया जाए। तो एकाकी महात्मा और अपने प्रभु की सेवा करते हैं, अपने प्रभु को दुलराते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। और संतों में बड़ा सहज आकर्षण है, मीरा जी सहज आकर्षित होती है संत की ओर, यद्यपि आदेश किया गया है राव दूधा की ओर से इनके कक्ष की ओर कोई बहुत अधिक न जाए, एकाकी महात्मा इनके भाव में कोई विक्षेप ना हो, पर मीरा जी तो रह नहीं पाई, दबे पांव जाती हैं और झरोके से झांकने का प्रयास करती हैं। कैसे संत हैं, कहते हैं कि उनके पास ठाकुर जी भी हैं, कहते हैं कि वो प्रभु की सेवा भी करते हैं, देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कैसे होते हैं ठाकुर जी, कैसी होती है उनकी सेवा। और यहाँ ऐसी झरोके से झांक झांक कर देखने की चेष्टा कर रही हैं, और बस एक दिन मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूं घरवार, अंग ही अंग जड़ाव लसे, शीस लसे पगिया जता, पूरन पुण्यन ते रस खान, जी मोहनी मूरत आए, चारों दिशान की
ले छवियान के झांके झरोखे में बांके बिहारी झांके झरोखे में बांके। और कह रहे जो झरोखे में से वो झरोखे का जो नन्ना सा छिद्र था ना उस नन्ने से छिद्र में भी सबसे पहले दिखाई क्या पड़ा, सबसे पहले दर्शन क्या हुआ, माई रिवा मुख की मुस्कान संभारी न जई है। वीरा को प्रभु ने अपनी मंद मधुर मुस्कान का दर्शन कराया, क्योंकि ये जब किसी के चित्त वित्त का हरण करते हैं ना, छीन ले हंस के सबका ये मन सखी रे मेरो राधा रमण, छीन ले हंस के सबका ये मन मेरो राधा। जो प्रभु का स्मित है ना, स्मित मंदहास जो है उससे खींचते हैं जीव को अपनी ओर। जो प्रभु की मीठी सी मुस्कान है, हासो झनोन्माद कारी च माया, फिर हास ही माया है। और जो जिसका लक्ष्य संसार है, जिसकी दृष्टि संसार की ओर है, उसके लिए माया मां ठगिनी हम जानी। और जिसकी दृष्टि प्रभु की ओर है तो करे जो कदापि माधो भजे माया चेरी हो। तो सबसे पहले उस झरोखे से दर्शन हुआ प्रभु की मंद मधुर मुस्कान का। और जैसे आकर किसी ने हृदय का द्वार खटखटा दिया हो। कह रही थी ना मीरा उस संत से कि कोई अनजानी से पीड़ा है, कोई अज्ञात मुझे अपनी ओर खींचता है। और जैसे जैसे असमय किसी ने आकर हृदय का द्वार खटखटा दिया हो, और द्वार खटखटाते ही जैसे कभी कभी कोई द्वार खटखटाता है ना तो मन कहता है कि अमुक व्यक्ति होगा, हो सकता है वही हो। तो मुस्कान देखते ही मीरा को लगा जैसे द्वार खटखटाया किसी ने, और जैसे चेतना कह रही है कि हो ना हो ये वही अज्ञात है जिसको मैं कब से खोज रही हूं, जिसको मैं कब से ढूंढ रही हूं। नेत्र सजल हो गए और वस्तुतः वही बड़भागी है, वही बड़भागी है जिसके जिसके चित्त का हरण चित्त चोर स्वयं कर लेता है, वही बड़भागी है। इस भारत भूमि पर जन्म पाने का यही फल है भाई, इस भारत भूमि पर मनुष्य जन्म मिले इसका लाभ यही है, इसका परम फल यही है। न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें, कोई देख ना ले, कहीं संतुष्ट ना हो जाएं, बस इस भय से वो मंद मुस्कान का दर्शन उस झरोखे के छिद्र से करके और उस रूप माधुरी को मानो अपने हृदय में समेट कर दौड़ गई मीरा। पर अब तो एक पल का चैन नहीं है, वो जो मुस्कान की माधुरी है उसने आप्लावित कर दिया तन मन प्राणों को, रोम रोम भीग गया, भीग गया। अच्छा, और ऐसे ही कोई कहने वाला कहता है वो हटा रहे हैं पर्दा और सरेआम चुपके चुपके, और मैं नजारा कर रहा हूं सरे शाम चुपके चुपके। ऐसी धीरे धीरे पर्दा हटाते हैं प्रभु, धीरे धीरे पर्दा हटाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं भाई ये मार्ग लंबा है, पर इस मार्ग पर चलना सुख है, सौभाग्य है, आनंद है। इस मार्ग पर चलने का सुख लेना, कभी श्रवण, कभी कीर्तन, कभी स्मरण, कभी अर्चन वंदन, और फिर कभी सेवा, बस ऐसे ही भोर सांझ बीतता रहे, भोर सांझ बीतता रहे। प्रतीक्षा ही प्रियतम का प्रसाद है, प्रतीक्षा ही प्रियतम की स्वीकृति है। जो प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है उसे प्रभु से स्वीकृति मिल गई है। जो प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है वो प्रभु से स्वीकृत है, उसकी स्वीकृति के बिना जैसे हमारे महाप्रभु जी कह रहे हैं श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम में, मन भी नहीं जाता भाई उस ओर। और एक संत तो कहते थे, बोले अगर आप भगवान के बिना नहीं रह सकते, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी,
कहने अगर आप भगवान के बिना नहीं रह सकते ना, तो भगवान की भी ताकत नहीं है जो आपके बिना रह जाए, उनको भी आपके पास में आना ही पड़ेगा। अब पता नहीं संतुष्टि मिली, तृप्ति मिली या पीड़ा और बढ़ गई, इसका उत्तर तो समय देगा। पर अभी मीरा के मन प्राण उसी मंद मुस्कान की माधुरी से आनंदित हैं। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब के हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।